मूवी है जिसमें साइंस की थियरीज को दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वार्म होल, ब्लैक होल, बाइनरी कोड, ग्रेविटी, इन सब चीजों को समझाया गया है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ इस पूरी मूवी का प्लॉट घूमता है। कूपर नासा में एक पायलट था, पर अब वो नासा में काम नहीं करता बल्कि मक्के की खेती करता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया अब भूख से जूझ रही है। धरती पर 7 साल पहले गेहूं उगना बंद हो गया और 1 साल पहले ओकरा और बाकी की चीजों की पैदावार भी खत्म हो चुकी है। कूपर के 2 बच्चे हैं, मर्फ जो पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसका साइंस में बहुत रुझान है, और बेटा टॉम जो पढ़ाई में एवरेज है। अब मर्फ जिस कमरे में सोती है वहां पर एक बुक सेल्फ है और बार बार उस बुक सेल्फ से किताबें अपना भी नीचे गिर जाती है। मर्फ अपने पिता को कई बार बोल चुकी है कि उसके कमरे में भूत है, और मर्फ ये भी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो भूत आप हैं, पर कूपर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। कूपर बोलता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। मर्फ बोलती है कि आप ही ने बताया कि विज्ञान का मतलब उन चीजों को एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर बोलता है ठीक है, अगर तुम घोस्ट और साइंस के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो उससे डरने के बजाय जो कुछ भी तुम्हारे कमरे में होता है उसे ऑब्जर्व करो और उसकी सच्चाई का पता लगाओ। एक बार सब बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं तभी सायरन बजता है, और ये सायरन होता है तूफान आने का। धरती पर अब धूल भरे तूफान आना आम बात हो चुकी है, और ये धूल भरा तूफान कभी भी आ जाता है। तूफान आने से मैच बंद हो जाता है और सब मास्क लगाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो पूरा घर धूल से भरा हुआ होता है, और मर्फ के कमरे में फर्श पर धूल से कुछ लाइंस बनी होती हैं। मर्फ बोलती है देखा, मैंने कहा था ना कोई घोस्ट हमसे बात करना चाहता है। कूपर उन लाइंस को बड़े ध्यान से देखता है और वो मर्फ को बोलता है कि आज तुम अपने भाई टॉम के कमरे में सो जाओ। और कूपर वहीं रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि यहाँ हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात उस कमरे में ये समझने की कोशिश करता है कि लाइंस कैसे बनी और बुक्स अपने आप गिर कैसे जाती हैं। अब सुबह होती है और मर्फ वहां पर आती है, और वो देखती है कि उसके पिता अब भी वहीं बैठकर उन धूल की लाइनों को देख रहे हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि किताबें घोस्ट की वजह से नहीं ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं, और वो एक सिक्का उछालता है जो मिट्टी से बनी लाइन के ऊपर जाकर गिरता है, लाइन के बीच में नहीं। कूपर बताता है ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है, और वो देखती है कि उसके पिता अब भी वहीं बैठकर उन धूल की लाइनों को देख रहे हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि किताबें घोस्ट की वजह से नहीं ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं, और वो एक सिक्का उछालता है जो मिट्टी से बनी लाइन के ऊपर जाकर गिरता है, लाइन के बीच में नहीं। कूपर बताता है ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी को मैसेज लिखने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं या हिसाब के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बाइनरी कोड्स भी एक शैली है जिससे हम मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं मार्केट में हूं तो आप नॉर्मली मैसेज टाइप करेंगे मैं मार्केट में हूं, पर बाइनरी कोड में आप यही पूरा मैसेज सिर्फ 1 और 0 डिजिट के नंबरों के कॉम्बिनेशन से भेज सकते हैं। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी मोटी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है। अब कूपर इस मैसेज को डिकोड करता है, और मैसेज को डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है, और वो और मर्फ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जब कूपर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहां की सिक्योरिटी पकड़ लेती है, और अगले सीन में दिखाते हैं कि कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है, ये एक साइंटिस्ट है और इसका नाम एमिली है। वो कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है, वहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं और कूपर की बेटी मर्फ भी वहीं पर होती है। एमिली के पिता प्रोफेसर ब्रेंड भी वहीं पर होते हैं। कूपर नासा में काम कर चुका होता है तो प्रोफेसर ब्रेंड को पहले से जानता है। अब वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि बहुत ही खुफिया जगह होती है और इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कूपर बोलता है कि जिस तरह से मुझे इस जगह के बारे में पता चला ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, पर कुछ साइंटिफिक भी नहीं लगता। तभी मर्फ बोलती है ग्रेविटी की वजह से हमें यहाँ के बारे में पता चला। वहां पर बैठा एक आदमी पूछता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ तक